आप ही मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय गोपाला गोपाल राम जी सोनी ग्रहण करें। श्रीमान सोम जी ढील प्रधान पंचायत समिति दो स्थान ग्रहण करें। श्री पंचान ग्रहण करें। आप भारी जोड़े हैं। श्री ओपी चंदेलिया साहब स्थान ग्रहण करें। विभाग के ऐसी साल हमारे बीच में पधारे हैं। आप ही मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पक्ष है विराजे राजस्थान के राबिया मिनिस्टर, जिनका पूरी राजस्थान की राजनीति में ही नहीं उत्तर भारत की राजनीति में अपना बड़ा विशिष्ट स्थान है। मंच के आगे आप जो साथी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, मंच के ठीक सामने स्थान है। स्वागत और आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं। देवदान विभाग और संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश जी गुप्ता, डॉक्टर हरीश जी गुप्ता संयुक्त निदेशक सोनी आए और मंत्री महोदय का दोनों कार्यों के बीच धरती के इस वृद्ध पुत्र का अभिनंदन वंदन सामने। ठीक है जी। गोपाल राम जी सोनी सुहास जी शर्मा व्यक्ति साहब हमारे मध्य उपस्थित है। आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील जी मीणा निरीक्षक देवस्थान विभाग। हमारे मध्य उपस्थित पंचायत समिति दौर के प्रधान बहुत ही ऊर्जावान क्रांतिकारी आदरणीय सोम जी ढील आपका सपा देना कर अभिनंदन करेंगे। हमारे मध्य देवस्थान विभाग आगे की दुनिया सर सामने अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देवस्थान विभाग से।
आदरणीय करणी सिंह जी और सांसद जी महेंद्र जी का अभिनंदन करें। करणी सिंह जी और सांसद जी हमारे मध्य उपस्थित है संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर हरीश जी गुप्ता। आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुनील जी मीणा, आदरणीय सुनील जी मीणा, डॉक्टर हरीश जी गुप्ता संयुक्त निदेशक का सम्मान जनाकर अभिनंदन का स्वागत करें। आदरणीय हमारे अधिकारी देवता विभाग के अति पालीवाल जी हमारे मध्य उपस्थित है। मंत्री महोदय का संपूर्ण विभाग की ओर से माल्यार्पण कर अभिनंदन का स्वागत करेंगे। अति पालीवाल साहब हाँ जी सर सामने आए देवता विभाग जो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं आपका सम्मान पहनाकर मुख्य उद्घोषक रमेश जी देवता साहब सर सामने मंत्री महोदय के साथ महेंद्र जी चंदवा पधारे हैं। महेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन। रमेश जी देवता साहब से निवेदन करूंगा कि आप महेंद्र जी का सांपा और माल्यार्पण पहनाकर अभिनंदन करें। महेंद्र जी चंदवा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मंत्री महोदय के साथ पधारे हैं। आ जाओ आगे हमारे मध्य उपस्थित है भारतीय प्रतिभाशाली प्रशासनिक अधिकारी सर सामने सर सामने श्री पंकज जी गढ़वाल आपका सभा अभिनंदन करेंगे। श्री लालचंद जी छिप्पा मैनेजर गोदावरी देवता विभाग श्री लालचंद जी छिप्पा आए और एसटीएम साहब का अभिनंदन पूर्वक स्वागत करें। ऊपर कवर लग गया हमारे मध्य उपस्थित है एसडीएम भाबरा श्री ओपी चंदेलिया जी और बड़े प्रशासनिक अधिकारी है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपके अभिनंदन के लिए वेद प्रकाश सिंह पारिक पशुपालन विभाग से वेद प्रकाश सिंह पारिक आए और एसडीएम ओम प्रकाश सिंह चंदेलिया साहब का सम्मान पहनाकर माल्यार्पण अभिनंदन पूर्वक स्वागत करें। सौभाग्य से भाजपा के एसडीएम बहुत ही बढ़िया कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे यहाँ के ब्राह्मण सर सामने राज्य महोदय का अभिनंदन करेंगे आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ जी सर सामने हाँ जी सर सामने श्री सुभाष जी घोड़ारा हमारे मध्य उपस्थित है। आपके अभिनंदन के लिए मैं आगे से पीछे करो सर रमेश जी केस का मुख्य उद्घोषक मेरा को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय सुभाष जी घोड़ारा साहब का अभिनंदन मतलब स्वागत करें। तहसीलदार भाटा हमारे मध्य
जो दर्शन है जिस
दर्शन लाभ के लिए वो यहाँ एकत्रित हो गए हैं। तो आराम से सुविधापूर्वक जो ये व्यवस्थाएँ प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई हैं उनका लाभ उठा पाएंगे और अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। सर मैं हमें इस बार कई हमारे रिपीटेड मीटिंग्स हुई हैं प्रशासन की भी और पुलिस की भी मंदिर मैनेजमेंट के साथ देवस्थान विभाग के साथ और प्रयास किया है कि किस तरीके से जो श्रद्धालु मेन जो 3 दिन आएंगे उसमें व्यवस्था और बेहतर कर सकें और जो भी लोग विभिन्न स्टेट से यहाँ पर आते हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाए। पुनः मैं एक बार आभार व्यक्त करूँगा सर आपका पधारने पर और धन्यवाद सर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब। आप मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रधान पंचायत समिति नौर बड़े भाई आदरणीय सोन जी ढील को कि आप भी आए और आदरणीय ढील साहब मेरे के कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर मंत्री राजमा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोरावर कुमार साहब क्षेत्रीय विधायक बड़े भाई संजीव बेनीवाल साहब जिलाधीश श्री कानाराम जी एसपी साहब तमाम उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण कर्मचारी सर भी पंचायत राज के तमाम प्रतिनिधि अन्य जनप्रतिनिधि साथी मेरे पिता तुले बुजुर्ग हम उपस्थित साथी जोते बात का सबसे बड़ा मेला जब हम छोटे थे तो देखते थे इतना काम जहां मिलती व्यवस्था इस मेले में नहीं हुआ आने वाली सरकारों में भीड़ इतनी संख्या में नहीं हुआ करती थी। जैसे जैसे समय बीता आज बड़े लाखों की संख्या में अलाव हो जाते हैं। जब 3 दिन 3 डे जाएंगे तो यहाँ दिल छिड़कने को जगह नहीं मिलेगी। इन सब व्यवस्थाओं के बीच में गवर्नमेंट के वासितों का यहाँ के कर्मचारियों का हम जनप्रतिनिधियों का आस पास के तमाम मेरे बुजुर्गों का ये दायित्व तो बनता है कि आने वाला जो हमारा यात्री है जो हमारा मेहमान है उसको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो उसको हर वो व्यवस्था यहाँ मिले जो उसको आवश्यकता हो। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने जी जान लगा के मेले की व्यवस्था को बना के रखें। विशेषकर यहाँ व्यापार करने वाले भाई यहाँ चौबीस घंटे रहने वाले मैं नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिजली पानी वो सारा विभाग देख रहा है। एक ऐसा मुद्दा सफाई का है जिसमें हम सब लोग सहयोग कर सकते हैं। हमारे आत्मनिर्भर को रहता है उसको पूरे धाम तक पहुंचाने का काम करेंगे तो इस मेले को स्वस्थ रख पाएंगे। बारिश का मौसम है बीमारी फैलने का भय रहता है इतनी जनसंख्या जहां आ जाए और व्यवस्था सफाई की कायम रखना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा मैं मंत्री महोदय से आज निवेदन करना चाहूंगा कि साहब देवस्थान विभाग यहाँ की व्यवस्थाओं की तरफ आप प्रयास करें कुछ एक्सेस प्रयास करें जिससे यहाँ व्यवस्थाएं कायम हो। ये लाखों रुपए के टैंक पे हर साल किया जाता है बैरिकेडिंग पे व्यव हर साल किया जाता है। अगर विभाग चाहे इसको स्थायी रूप से कायम करवा दे ताकि ये पैसे की हर साल रहने वाले चिंतित को जनता के सुदुपयोग के लिए रखा जा सके। मंदिर से लेकर रोड तक इतना ढलान है साहब कि अगर आप बारिश आ जाए तो रोड के ऊपर 2-2 फुट मिट्टी कट के चली जाएगी। हम चाहते हैं कि आपका विभाग इस पूरे मेला ग्राउंड में इंट्रो लिंकिंग सामने जो हमारे बैरिकेडिंग जो यात्रियों के आने की जगह है उसको इंट्रोलिंग करवा दे इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करवा दे तो इस व्यवस्था से भी बचा जा सकता है। पानी का भाव इतना तेज रहता है कि पूरा का पूरा पानी आबादी में जाता है। ये व्यवस्था हम जब कलेक्टर साहब के साथ बैठक करते हैं तो इनके विचार विमर्श भी हुआ। मैं चाहूंगा और मेरे तो याद आ रहे हैं साहब आप दूसरे मंत्री हो देवस्थान के तो यहाँ आए हो पहले शकुंतला जी राउत आए थे 1 साल पहले और आज आप पधारे हो। हम तो चाहते हैं आप कुछ ना कुछ घोषणा करके यहाँ आ जाओगे ये उम्मीद हम आपसे मैं आपका इस नौर विधानसभा और भाजपा विधानसभा और नालंदा जिले की जनता की तरफ से तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से कर्मचारियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस मरगोड़ा मेले के पवन ग्रह पे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी।
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे लोकप्रिय नेता, जन जन के प्रिय, हमारी आत्माओं में प्रतिष्ठापित संघर्ष के प्रिय दो भागा पड़े, दो भागा में वो गंडी अलग है, तीन टांग अलग है। आज हमारे बीच पधारे राजस्थान सरकार के देवस्थान मंत्री, पशुपालन मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय एसपी साहब, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय सोम खेल जी, नारायण जय आनंद साहब बलवंती और सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण पधारे हुए, सभी सम्मानित हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण और कार्यक्रम के विराजमान बुजुर्गों नौजवान साथियों पधारे हुए सभी श्रद्धालुगण, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं, छायाकार मित्रों और हमारे पार्टी के सभी सम्मानित पधारे पदाधिकारी, गंगा जी की पवित्र धरती पर आज इस मेले को शुभारंभ करने के लिए आज हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब प्रथम बार यहाँ पधारे हैं। तो मैं आगरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, लाहौर की तरफ से, इस इलाके की तरफ से आपका यहाँ पुराने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हर वर्ष की भांति इस साल की हम इस मेले का शुभारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात कि आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय कुमार साहब पधारे। माननीय मंत्री महोदय को आधार आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला और इसमें उत्तरी भारत के दूर दराज से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, अनेक स्टेट से, अनेक राज्यों से यहाँ श्रद्धालु गोगा जी की इस पवित्र धरती पर अपनी आस्था प्रकट करने के लिए आते हैं। और ये निश्चित तौर से उत्तरी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला याद रखता और इसके साथ साथ एक महीने पशु मेला जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आप पशुपालन मंत्रालय का काम भी आप हमारी सरकार में देख रहे हो, पशु मेला एक महीने यहाँ लगता है और एक तरह से इतिहास पे अंदर जाने तो निश्चित रूप से इस पशु मेले में अनेक तरह के पशुओं की प्रतियोगिताएं, उनकी प्रदर्शनी, अनेक तरह के पशुपालक अपने पशुओं को लेकर के आया करते थे। लेकिन आज मेरा ये मानना है, देखना है, आप भी देख रहे हो कि ये पशु मेला एक तरह से ऊंट मेले तक सीमित होकर के रहे। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आज हमारे इस कृषि प्रधान इलाके में खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का भी हमारा बहुत बड़ा एक तरह से काम किसानों का है और एक ज्ञापन भी आज पशुपालकों ने आपको निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से भी। तो एक अनुरोध रहेगा कि इस पशु मेले को भी और विस्तृत रूप दे करके या अन्य पशुओं का भी जो एक तरह से उसमें जो है योगदान किसानों का रहे, पशु लेकर के आए अपनी प्रदर्शनी, इस तरह की प्रतियोगिताएं अपनी बात की तरह करते हैं। हमारे गांव की हरियाणा से वो
गोरा नजर की पैसे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम जो है चलता है, तो इसकी तरफ भी मेरा ये निवेदन रहेगा। मैं आपसे तीन दांग खोलने के लिए निवेदन करना चाहूँगा, 2013 सरकार में ओले ओले वो पकड़, तो इसलिए दुर्गा मैया की पवित्र धरती पर दुर्गा जी का जो मंदिर हमारा है उसका पुनरुद्धार एक तरह से हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में बहुत बड़ा काम उस समय इस मंदिर के पुनरोद्धार का किया गया था। आज एक तरह से पूरे उत्तरी भारत से आने वाले श्रद्धालु निश्चित रूप से जब माता के लिए गंगा जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से उस समय को याद करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने इतना बड़ा काम उस समय इस मंदिर के पुनरोद्धार का लिया था। प्रथम भेंट करता है मंत्री मुझे निवेदन करूँगा प्रथम भेद के रूप में हमने क्योंकि उस समय मैं भी ज्यादा जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ जाए था प्रथम भेद का काम उस समय लगभग किया गया था। तो मैं आपसे कह रही दुर्गा आप हमारे मंत्री हैं कि द्वितीय चरण का ऐसा ही भेद का काम और चालू करके इस गोगा जी के पवित्र धाम को इसमें और ज्यादा काम आप हाथ में लेकर के उस सैनिक भेद के काम को आगे बढ़ाएं ताकि इसको और विस्तार से इस काम को हाथ में लिया जा सके। पूरे भी जो जनप्रतिनिधि पधारे हैं सभी महानुभाव पधारे और जैसा कि कैप्टन और एसपी साहब ने फरमाया कि निश्चित रूप से इतने बड़े मेले को तो महीने भर इसमें हम लोग सबका निश्चित रूप से प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, देवस्थान विभाग में लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए। मैं सभी पधारे हुए महानुभाव से सभी नागरिकों से भी निवेदन करूँगा, इलाकावासियों से भी निवेदन करूँगा ये इतना बड़ा मेला जहाँ 50,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु मेरे ख्याल से पिछली बार रिकॉर्ड में होंगे, इस बार और ज़्यादा बढ़ेंगे, हर साल बढ़ते हैं क्योंकि श्रद्धा गोगा जी के प्रति इस बात का प्रतीक है कि निरंतर श्रद्धालु आ रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा आप सबसे भी कि प्रशासन के साथ साथ हमारा प्रशासन भी पुलिस प्रशासन भी देवस्थान विभाग सब लोग बड़े तेजी से काम कर रहे हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े मेले में आपने अच्छे तरह से इस काम को व्यवस्था को बनाने में आप लगे हुए हो। आप लोगों का हम सब का कर्तव्य बनता है कि आपका भी सहयोग आप सबका योगदान इस इलाके वासियों का भी आप सबका बढ़ा रहे ताकि एक सफलतापूर्वक इस मेले को जो है एक तरह से संपन्न करवा सकें। आप सब यहाँ पधारे इसके लिए आपका पूरे आभार प्रकट करते हुए और माननीय मंत्री महोदय का यहाँ पधारने पर फिर से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। युवा एसपी
विकास जी यहाँ के प्रधान सम्मानीय सोनलाल जी भील या मेरे साथ जो चुनों से बदले भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मानित महेंद्र जी सांगवा, सम्मानीय शिवनाथ सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी सर्वस्वरूप सभी अधिकारीगण और देवदान पार्क के एडिशनल कमिश्नर गौरव जी सोनी, ओम प्रकाश जी पालीवाल जी और विभाग के सभी अधिकारी का यहाँ पर विराजमान सभी अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों भाइयों बहनों युवा साथियों प्यारे बच्चों पत्रकार बंधु, आज भोगाजी महाराज के इस एक महीने के मेले के समारोह का कार्यक्रम यहाँ पूजा पाठ के साथ में संपन्न हुआ और आज से ये विशाल मेला एक महीने तक चलेगा और मैं भोगाजी महाराज का मेरे ऊपर कोई कृपा हुई, मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद हुआ तो इस मेले में मुझे भी आने का अवसर मिला और ये शुभ कार्य संपन्न कराने में मुझे भी अवसर भोगाजी महाराज ने दिया। निश्चित रूप से ये कोई भोगाजी महाराज के आशीर्वाद होता है जो ऐसे अवसर मिलते हैं। निश्चित रूप से भोगाजी महाराज का सबके ऊपर आशीर्वाद है और यह उत्तर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और मेरे ख्याल से राजस्थान भर के लोग इस मेले में दर्शन करने के लिए आते हैं और भोगाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं और निश्चित रूप से भोगाजी महाराज के आशीर्वाद से उनका परिवार सुखमय रहता है, परिवार में समृद्धि भी आती है और परिवार में शांति भी कायम होती है। ये आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। मैं भोगाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पूरे राजस्थान के वासियों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, सभी घरों में सुख शांति समृद्धि और संपन्नता आए और पूरा राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, पूरा राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बने, आत्मनिर्भर राजस्थान बने और सभी लोग यहाँ रहने वाले सभी खुशहाल हो, ये मैं भोगाजी महाराज से प्रार्थना करना चाहूंगा। वैसे राजस्थान मेलों का प्रदेश है और यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मेले नहीं लगते। ये हमारी अपनी सनातन संस्कृति है कि राजस्थान में मेलों के विभिन्न जगह रोज कोई कोई मेले लगते रहते हैं, चाहे भोगाजी महाराज का मेला हो, कहीं रामदेव जी महाराज का लगता है, कहीं नेताजी महाराज का लगता है, कई महादेव जी का लगता है, कई पर माता जी का लगता है, कई उबाजी महाराज का लगता है, कई विभिन्न देवी देवताओं और लोक देवताओं के मेले इस राजस्थान में लगते हैं और इन मेलों के माध्यम से आप सब लोगों को मेलों में आने का भी अवसर मिलता है, दर्शन करने का दर्शन लाभ भी मिलता है, देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है, साथ ही साथ में कई दूर दराज से आने वाले लोग एक दूसरे से परिचित भी होते हैं, एक दूसरे का परिचय भी होता है। मेलों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज जैसे यह मेला है तो मेलों में जो दुकान लगा के बैठे हैं, कई तरह की दुकानें हैं, उनको ये रोजगार भी मिलता है तो रोजगार के भी अवसर इस मेलों के माध्यम से कई लोगों को मिलते हैं। तो ये मेले हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे मेले बार बार लगने चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के हमारा भाव रहता है, हमारा भाव रहता है हम पूरे विश्व को साथ लेकर के चले, हमारा भाव रहता है हम सभी धर्मों के लोगों को
साथ लेकर के चले, हमारा भाव रहता है हम सबसे प्यार करें और सबका विकास करें। हमारा भाव रहता है हमारे सनातन संस्कृति में पेड़ों को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में पत्थरों को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में गौ माता और पशुओं को भी हम पूजते हैं, हमारी संस्कृति में कई नदियों को भी पूजते हैं, जल को भी पूजते हैं, हमारी संस्कृति में अग्नि को भी देवता मानते हैं और अग्नि को भी पूजते हैं। तो हमारी जो ये सनातन संस्कृति है, वसुदेव आज यहाँ पर जैसे जो मंदिर बना है दुर्गा जी महाराज के प्रति सबकी आस्था है, सभी धर्मों की आस्था है और ये सामाजिक सौहार्द का भी एक अच्छा स्थल है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज हम इस मंदिर के विकास के लिए भी माननीय विधायक जी ने भी कहा, माननीय प्रधान जी ने भी कहा, पहले हमारे मुख्यमंत्री 2013 से 18 तक वसुंधरा राजे जी थे, उन्होंने यह मंदिर के विकास के लिए बहुत सारे काम कराए और मैं रक्षा विराजमान से आग्रह करूंगा कि इस मंदिर के जो स्थायी विकास के लिए जैसे अभी विधायक जी ने बताया, प्रधान जी ने बताया कि जैसे ये जो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शनार्थियों के लिए जैसे छाया की व्यवस्था भी टेंट लगा के की जा रही है और भी आगे जैसे बैरिकेडिंग लगा के की जाती है, इसमें अपन क्या स्थायी प्रकल्प कर सकते हैं। तो ये विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठ करके, विधायक जी और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके पूरा एक प्लान बना करके मुझे भेजे, मैं निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करके इस संबंध में सुदृढ़ भी करवाएंगे। एक बार अच्छा सा प्लान आ जाए, जो यहाँ सुविधाएं जो विकसित करने की जरूरत है, मेले में जो सुविधाएं जनता के लिए आवश्यक होती है, वो सुविधाएं विकसित करके आप प्लान बना करके निश्चित रूप से हम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उनका भाव रहता है कि हम सब जगह विकास करें। कई मंदिरों में अभी जैसे है ना, कम से कम 27-28 या ज्यादा इससे भी ज्यादा मंदिरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के लिए घोषणाएं की है। निश्चित रूप से मंदिरों का विकास करना, सभी धर्म स्थलों का विकास करना भी हमारा ध्येय है और निश्चित रूप से हम करेंगे। इस संबंध में ये एक प्रपोजल अच्छा सा आ जाए तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको भी स्वीकृत करवाएंगे और यहाँ और भी सुविधाएं विकसित हो, लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, दर्शनार्थी जो लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं, महीने भर आते हैं, उनको बिजली, पानी, शिक्षा और सड़कों के संबंध में या सफाई की व्यवस्था के संबंध में, चिकित्सा के संबंध में कोई तरह की तकलीफ नहीं हो, ये हम आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में डॉक्टर साहब से आग्रह है कि किसी तरह के यहाँ दर्शनार्थी जो आते हैं उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उनके लिए समुचित व्यवस्था पानी की हो, साफ सफाई की हो या चिकित्सा की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में हो और कोई तरह की तकलीफ नहीं हो, कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रहे, आने वाले या किसी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ न हो, ये व्यवस्था कायम करे। और ये मेला एक महीने भर चलता है, बहुत लंबा मेला होता है, एक दिन का मेला नहीं होता। और मेले में जो देवस्थान विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, मैं इनको भी कहना चाहूंगा कि पूरी टीम यहाँ लगी रहे और आर्थिक रूप से कोई तकलीफ नहीं आए। भाई मेले में सारी व्यवस्था है, पूरा का पूरा खर्चा देवस्थान विभाग करता है, सारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और पूरे प्रशासन के सहयोग से सबकी राय होती है, राय के अनुसार व्यवस्थाएं की जाती है। ये देवस्थान 3 करोड़ के आसपास खर्चा होता होगा करीबन, तो ये पूरा खर्चा देवस्थान विभाग करता है, तो इसमें खर्चे में कोई कमी नहीं है, खर्चा तो पूरा देवस्थान विभाग करेगा, लेकिन जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, वो सुविधाएं व्यवस्थित ढंग से सबको मिले, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरा मुस्तैद रह करके एक महीने तक लोगों को सुविधाएं दे और किसी तरह की तकलीफ नहीं हो,
बाकी अभी जैसे माननीय विधायक जी ने बताया कि यहाँ एक पशु मेला भी लगता है और पशु मेले में भी आस पास के क्षेत्रों से पशु खूब आते हैं और विशाल मेला लगता है। अभी इन्होंने एक वीडियो भी बताई कि उसमें पशु मेले में ऊंट ज्यादा आते हैं, तो ऊंट भी इस क्षेत्र में ज्यादा है इसलिए ज्यादा ऊंट आते होंगे। लेकिन फ्लैक्स साहब ये विशेष रूप से आप मीटिंग करें जनप्रतिनिधियों की मेले से पहले और पशुपालन विभाग के यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर भी बैठे हैं और किसी अधिकारी को भेजना है तो मैं वहां से भेजवाऊंगा, लेकिन पशु मेला व्यवस्थित ढंग से लगे, उसमें सारे पशु आए और उनकी खरीद फरोख्त है, जैसे लोगों की पसंद के पशु उनको यहाँ से मिल जाए, खेती के लिए मिल जाए, पशुपालन के लिए मिल जाए, दुधारू पशु है तो वो भी मिल जाए, ये सारी व्यवस्थाएं उस पशु मेले में आने वाले समय में करवा दी है। और निश्चित रूप से पशु मेले हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये मंशा है कि राजस्थान भर में पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है कि किसान के बाद में खेती के बाद में दूसरे नंबर पर रोजगार का सबसे बड़ा साधन है ये पशुपालन है। और ये पशुपालन के धंधे को हम कैसे मजबूत करें, पशुओं से पशुओं के मान पर धन रोजगार कैसे दे, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुओं के संबंध में बहुत सारी घोषणाएं विधानसभा में की है। अभी जैसे यहाँ ऊंट पालन का धंधा है तो ऊंट पालन में जो ऊंट के पहला बच्चा होता है उसको पालन पोषण के लिए पहले 10,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे डबल करके 20,000 करने की घोषणा की है। अब पहला बच्चा ऊंट के होगा उसे 20,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार देगी। इसी तरह से पहले पशुओं का कोई बीमा नहीं होता था, जो पशु है ना चाहे वो ऊंट हो कर भैंस हो कर बकरी हो कर घोड़ा हो कर गधा, किसी का बीमा नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले दौर में पहले शुरुआत अभी की है और शुरुआत में दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू बकरी और भेड़ और दुधारू ऊंट का बीमा करने की घोषणा की है। और अभी जैसे बजट सत्र खत्म हो गया अभी योजना पर अमल करेंगे। इन पशुओं का टोटल 21,00,000 पशुओं का 5,00,000 भैंस का, 5,00,000 गाय का, 5,00,000 भेड़ बकरी और भेड़ का, 5,00,000 बकरी का और 1,00,000 ऊंट का बीमा हम करेंगे। और जब कभी भी कोई पशु के बीमाधारी पशु की मृत्यु होगी तो सरकार निर्धारित रकम तय करेंगे, वो राशि क्लेम के रूप में उनको पशुपालकों को मिलेगी, तो ये सुविधा भी हम आने वाले समय में देंगे। इसी तरह से और भी एक गोपालक कार्ड बनाएंगे और गोपालक कार्ड के मार्फत पशुओं का बीमा होगा और गोपालक कार्ड के मार्फत सॉरी गोपालक कार्ड के मार्फत बैंक से यदि कोई नए पशु खरीदने के लिए लोन लेगा तो 1,00,000 तक का लोन बिना ब्याज से बैंक से मिलेगा, तो इससे भी पशुपालकों को मदद मिलेगी। इस तरह से पशुपालन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणा की है। एक हमने पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है और मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक गाड़ी है, गाड़ी में डॉक्टर्स है, एक कंपाउंडर है और साथ में एक ड्राइवर कम हेल्पर है। ये गाड़ी उसमें दवाइयां भी है। ये गाड़ी अभी तो जैसे कैंप कर रही है अलग अलग गांवों में, ट्रक्सा भी कैंप कर रही है और एक दिन में 2 गांव के कैंप कर रही है। लेकिन अभी जैसे उसका कॉल सेंटर खुलने वाला है, कॉल सेंटर खुलते ही 1962 नंबर पर आप कॉल करोगे तो वो गाड़ी पशुपालक के घर जाकर इलाज करने का काम करेगी। भाई जिस तरह से हेल्प में करते हैं 108 मोबाइल पे अपन फोन करते हैं तो 108 मोबाइल सीधे कहीं के डिलीवरी पीरियड की महिला पीड़ित है तो उनके घर जाती है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो उनको पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रही है। इसी तर्ज पर ये पशुपालन मोबाइल वेटरनरी यूनिट है। आप फोन करोगे पशुपालक 1962 पर तो पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम करेंगे। ऐसे हमने 536 गाड़ियां पूरे राजस्थान में शुरुआत की है जिसका अभी लाभ पशुपालकों को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में
पशुपालन को घर आकर के इलाज है ना करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये बहुत बड़ी योजना है। इस तरह से एक दूसरा विषय और बताना चाहूंगा, इधर जैसे पशुपालन का व्यवसाय ज्यादा है तो साथ में गौ माता का भी पालन पोषण आप लोग करते होंगे। कई बार क्या होता है कि गौ माता इधर मैं रोड पे आया तो रोड पे विचरण करती है, कई जगह देश सारा घूमती है। तो ये गौ माता है ना, जब से लोगों ने गौ माता की पूजा या उनका पालन पोषण करना बंद किया या कम किया है, तब से हमारे परिवार में संकट आने चालू हो गए। हमारे परिवार में आपस में द्वेष क्लेश विवाद पैदा हो गए। पहले हर परिवार में गाय माता होती थी और गाय माता की हम पूजा करते थे, गाय माता को हम पालन पोषण करते तो हमारा परिवार सुखी रहता था, एक रहता, परिवार में शांति और समृद्धि आती थी। लेकिन जब से हमने गौ माता की उपेक्षा की है, तब से कई तरह के हमारे संकट हमारे ऊपर आने चालू हो गए। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि भाई हर हर घर में अपन गौ माता को नहीं रखे, पहले तो हर घर में रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रखे रख सकते हो तो हर पंचायत में गौशाला खोले और गौशाला खोल करके वहां गौ माता का पालन पोषण करें, उनका संरक्षण करें। हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती है। पहले जो गौ माता चल रही है, गौशाला चल रही है, उनके विकास के लिए हम 9 लाख रुपए विकास के लिए देते हैं। 1 लाख रुपए गौशाला वाले जमा कराते हैं तो 9 लाख रुपया विकास के लिए हमारा गोपालन विभाग देता है। लैंडिंग शेड बनाओ, खेली बनाओ या गोदाम बनाओ, इस तरह की योजना के लिए देते हैं। और पंचायत स्तर पर जहाँ पर गौशाला नहीं है, उन पंचायतों में नई गौशाला खोलने पर एक संस्था बनानी होती है, संस्था बना करके रजिस्टर करनी होती है। रजिस्टर करने के बाद में हमारे वेबसाइट पर उसको आवेदन करना पड़ता है। रक्षा के यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं, पशुपालन विभाग में भी कर सकते हैं। वो करने के बाद में गौशाला शुरू करो, शुरू करने के बाद में 10 लाख रुपए यदि वो संस्था जमा कराती है तो 90 लाख रुपए हमारा विभाग देता है। गौशाला के निर्माण में 1 करोड़ में बहुत बढ़िया गौशाला हो जाती है। इसी तरह से पंचायत समिति स्तर पर नंदी शाला खोलने की योजना है, उसमें 1 करोड़ 56 लाख रुपए 1 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि मिलती है। 10% राशि संस्था वालों को जमा करानी होती है। इसमें भी कलेक्टर जैसे कोई पंचायत समिति स्तर पर कोई घोषणा बचे तो बाकी हो तो किसी न किसी संस्था को आगे ला करके वो घोषणा नंदी शाला खुलाए, जिसे आने वाले समय में उसका लाभ भी मिले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गायों को हम जो अनुदान देते हैं 9 महीने का अनुदान देते हैं, और जो बीमार गाय है या जो विकलांग गाय है उनको हम 12 महीने का अनुदान देते हैं, और नंदी शाला में नंदियों के लिए हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। तो गायों के अनुदान में मुख्यमंत्री जी ने 10% बढ़ोतरी करके अभी घोषणा किया। अब 10% बढ़ा करके आने वाले समय में गायों का अनुदान आएगा तो हमारी सरकार गायों को बचाने के लिए भी, उनके संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। निश्चित रूप से बहुत सारी राजस्थान सरकार की जो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को विकास के लिए बहुत सारी योजना संचालित है, उनका लाभ भी हमारी जो पोर्टल है, वेबसाइट पोर्टल है, उनके ऊपर देख सकते हैं। फिर किसान विभाग से एक योजना और चलती है, वो है सीनियर सिटीजन को यात्रा कराते हैं। वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर है उन लोगों को हम लोग, हमारा देवस्थान विभाग यात्रा कराता है, चाहे वो रामेश्वरम हो, अयोध्या हो, क्या नाम काशी हो, इस तरह से हरिद्वार हो, इस तरह से बहुत सारे तीर्थ है जिनकी यात्रा कराते हैं। वेबसाइट अभी खुलेगी 15 दिन के लिए वो वेबसाइट खुलेगी, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपका जब नंबर आएगा तो आपको नजदीक के रेलवे स्टेशन में बुलाएंगे और उस रेल के मार्फत आपको बिना पैसे निःशुल्क यात्रा, हमारा विभाग है ना, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की कराएगा और उसमें खाना पीना पूरा का पूरा देवस्थान विभाग वहन करेगा।
एक पैसा भी आपको घर से फेर से खर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरा कराएगा। और साथ में हवाई यात्रा भी है, पशुपतिनाथ जो नेपाल में है उस पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हवाई जहाज से जयपुर से यात्रा कराएंगे। कोई हवाई जहाज से भी 60 साल जब पूर्व वाला यात्री करना चाहे तो वो भी उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है, वहां भी वो निःशुल्क यात्रा, एक पैसा भी उनको खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारी सरकार, हमारे विभाग आप लोगों की सेवा में हमेशा तैयार है। और ये इसका जो सरकार की योजना पर फायदा आप जरूर लें, ये मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। पुनः मैं जिला प्रशासन को और देवता विभाग के सभी अधिकारियों को प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये कार्यक्रम अच्छा करवाया और एक महीने तक आप अपने पैरों पर खड़े रहे। आप आराम नहीं करे, सरकार आराम नहीं करती है, आप भी आराम नहीं करे, एक महीने तक इन लोगों की पूरी सेवा दे, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, हमने आनंद और संतोष बुला पाया। सचिव पाए समितियों का एक लंबा काफिला गोदा जी का साहित्य इस उत्तर भारत की सबसे सुसंस्कृत आध्यात्मिक धरा पर मंत्री महोदय को समर्पित कर भेंट करते हुए मेरा मजिस्ट्रेट और एडिशनल कमिश्नर अरे मंत्री महोदय का स्वागत इसके बाद में मेरा मजिस्ट्रेट गोदा में ही श्री पंकज जी परिवार धन्यवाद। एक छोटा बच्चा जो अपना नाम आरा उसने बता रहा है, उसने बता रहा है गाँव लक्ष्मीपुर का रहने वाला है। जिस किसी भाई बहन का अगर ये बच्चा हो तो उसे नवनिर्मित सोसाइटी सूचना केंद्र से आगे ले जाए। Gracias.
राम राम मुकेश। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे
राजेश जी क्षेत्राम जी देवर विनोद जी ठीक है साहब ठीक है और ठीक है साहब जी सर सामने ठीक है भाई करते करते जैसी की परंपरा है हमारे मेहमान स्वागत विराम देते थे जी यस मंत्री जी का बड़ा व्यस्त समय है ठीक है साहब होना दे एक हाँ लगाओ ठीक है सारा ठीक है ना ठीक है बस होगी यार भाई ठीक है सर ओके लगाने की आवश्यकता नहीं हमें ठीक है दादाजी सारा ले ले ठीक है सर आगे एक मिनट आगे आगे हाँ यस ओके Thank you.
चलना दी मैं चलू इनके गाड़ी रोक लेकर आ गाड़ी चल जाए ना
हाँ सोने बनाऊंगा। परली साइड जाइए, मेरे कहने यहाँ घूम जाओ, परली साइड जाओ सर। हाँ उन्नमो करियो, हाँ पेन आ दो छे भी परले उन्न बुन्नम करो। हाँ पर सारे खड़े हो जाओ, पेन आ दो जी, पेन आओ जी। हाँ जी एक बार सामने देखो, हाथ नीचे कर लीजिए, एक बार आराम से फोटो करवा लीजिए। हाँ देखो कैमरा देख, बलराम जी उनका से आपस में देखो आप किन दिक्कत हुआ ठीक है जी। मंत्री महोदय को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। जी का देखो कैमरा देखो, हाँ देखो जी जी सर सामने हमारा पहनाओ। मैं हनुमान जी मंत्री से निवेदन करूंगा कि विधायक जी को माला पहनाकर स्वागत करें। बिट्टू सोकर गोपाल सोकर विधायक जी को माला पहनाकर स्वागत करें।
देखो जी एक बार देखो, ठीक है ठीक है सर। हाँ देखो कैमरा चलो देने शुरू करो। बीजेपी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी का माला सभा में आकर स्वागत करें। देखिए सर कैमरा देखो। देखो कैमरा यहाँ, ठीक है। देखिए चाचा एक बार देखो, यस ठीक है। देखो यस जी लंबा को सभा बनाकर स्वागत करेंगे। नमो करो ताऊ जी, ठीक है। हाँ देखियो ठीक है सर। नाम ले लो महेंद्र जी दुगनू से तो महामंत्री हैं पार्टी के, उनको देखो जी। यस ठीक है। साल हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री साहब पधारे हैं, पर हर वर्ष की भांति हम इस बार भी हमने मेले का शुभारंभ किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे देवस्थान विभाग के, पशुपालन विभाग के हमारे कैबिनेट मंत्री हमें बुला रहे हैं। मैं आप सब की तरफ से एक बार फिर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आदरणीय मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि रामगढ़ सेवा समिति इस तरह से एक तरह से यात्रियों को पानी पिलाने का, जैसा कि हमारे आपने संबोधन में बताया कि बाल्टी और लोटा लेकर के जल पिलाने की सेवा जो शुरू की गई, एक तरह से जल पिलाने के नाम पर जो एक सेवा का पौधा आपने लगाया, आज आप सबके सहयोग से, दानदाताओं भामा साहब के सहयोग से, पर आप सबकी लगन से, आपकी मेहनत से वो पौधा जो है बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से रामगढ़ सेवा समिति पूरे मेले के दौरान भी और समय समय पर लगातार जो है जनभावना के साथ, एक सेवा भावना के साथ जो है लगातार इस मेले के अंदर इस पवित्र स्थल पर सेवा का काम कर रही है। मैं इसके लिए सभी पदाधिकारियों को, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पर आज आपने हमें यहाँ बुला करके मान और सम्मान किया, सम्मानित किया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायक जी को विधायक जी समिति की मांग पे अवश्य गौर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आगे के क्रम में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें संबोधित कर मुग्रित करें। मोबाइल को छोड़ दो, मोबाइल को बड़े छोड़ पाएंगे सारे मांग सर। आज महाराज के इस रामगढ़ सेवा समिति के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजा के भक्त विधायक और आप सबके कार्यालय हमेशा जनता के बीच में रहकर जनजन की सेवा करने वाले संकेत जी सरकार के पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, और
सिन्हा सिंह जी और सभी अतिथि